हेलो गाइस, वीडियो के टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है, किस मौजू पे है। काफ़ी लोग होते हैं कि वो अपने चाहते हैं कि अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन की स्क्रीन को मिरर करें अपने पीसी में। अब कुछ लोग चाहते हैं कि वो पीसी में फुल स्क्रीन करके अपनी एंड्रॉयड गेम खेलें, कोई भी गेम वगैरह, यूट्यूब का वीडियो के लिए, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाएं, या और किसी भी चीज़ पर काम करने के लिए वो अपना मिरर करें एंड्रॉयड फ़ोन पीसी में। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जो कि वंडर शेयर का सॉफ्टवेयर है, मिरर गो एंड्रॉयड रिकॉर्डर। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है पीसी के किसी भी फोल्डर में, आपको इंस्टॉल करके रख लें। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें। रन करने के बाद आपने अपने मोबाइल को पीसी से कनेक्ट करना है। अगर आपका पीसी से कनेक्ट नहीं हुआ तो आप अपने सेटिंग्स में जाके डिबगिंग मोड इनेबल कर लें मोबाइल में। डिबगिंग मोड इनेबल करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा कनेक्ट होने में और खुद कनेक्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जिस तरह के आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल कनेक्ट हो गया है और ये मिरर गो में भी कनेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर में और ये कनेक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। नीचे प्रोग्रेस आ रही है, कनेक्टिव हो रहा है। अब कनेक्ट होने के बाद आपको मोबाइल पूरा पीसी में मिरर हो जाएगा, जितना कि आप देख सकते हैं आपको पूरा मोबाइल पीसी मिरर हो रहा है। आप इसको माउस से भी चला सकते हैं ड्रैग करके या अपने मोबाइल को चला सकते हैं, ऊपर मिरर हो जाएगा यहाँ पर और वैसे ही काम करेगा जिस तरह मोबाइल में काम कर रहा है। जिस तरह देखते सारी ऐप्स मेरी मोबाइल की यहाँ शो हो रही है, मेरे को कनेक्टर का नोटिफिकेशन इनेबल हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ऑप्शन आते हैं स्क्रीनशॉट का और ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसने। उसके बाद आता है ट्रांसफ़र फाइल। अब कोई मैं अपने कंप्यूटर से ट्रांसफ़र कर लूँ फाइल, किसी फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से आप अपने फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वीडियो में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, मैं भी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, तो ये टूल इस काम आता है। फुल स्क्रीन टूल भी इसमें है, गेम्स वगैरह खेलने के लिए या और कोई काम करने के लिए फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं आप इसको। उस करने के बाद आ जाता है रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर। अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन को क्लिक कर लें और जिस तरह आप देखते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ चुका है। मैं स्टार्ट नाउ पर क्लिक करता हूं और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और साथ में मेरे क्रोम के साथ एक फोल्डर बन चुका है वीडियो रिकॉर्ड का, जिसका कि आप देख सकते हैं रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं रिकॉर्ड को पॉज करके स्टॉप कर देता हूँ और फिनिश हो चुका है। और इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।